भारतीय बाजारों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये कहाँ तक जा सकते हैं, तो कंप्लीट सर्कल्स की एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि आज भारतीय बाजार तो 3 ट्रिलियंस के हैं, यानी कि 3 लाख करोड़ डॉलर के हैं, लेकिन ये डबल हो सकते हैं, ये ट्रिपल हो सकते हैं। ये डबल और ट्रिपल की एक रिपोर्ट लेके आए हैं और गुरमीत चड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो इस रिपोर्ट को देख के अच्छा लगता है, गर्व भी लगता है। और एक और चीज़, आपने इस रिपोर्ट को ना 15 अगस्त को ही लॉन्च किया है, उसमें मैं तिरंगे की पिक्चर भी देख पा रहा हूँ, बकायदा उसमें ट्राई कलर्स भी मेरे को दिख रहे हैं। सर, ये 3 लाख करोड़ डॉलर वाली इकॉनमी 10 लाख करोड़ डॉलर की इकॉनमी भी हो सकती है, आपने ऐसा क्या स्टडी किया, आपने ऐसा क्या देखा, और ये कब तक? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, जो वॉरेन बफेट इंडिकेटर हम बोलते हैं, वो टिपिकली इंडिया के केस में 1:1 रहा है लॉन्ग रन। तो आज हमारी इकोनॉमी अगर 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, तो मार्केट कैप भी लगभग लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और हमने ये देखा है कि 12 से 13% का नॉमिनल ग्रोथ जीडीपी दर में रहा है। नॉमिनल ग्रोथ का मतलब है जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। तो आप देखेंगे 6-7% का जीडीपी का ग्रोथ, तो 5-6% अगर आप इन्फ्लेशन लेंगे तो 12-13% का हो रहा है। तो अगर आप उसको एज अ बेस मान के चलें कि हम 12% के आसपास नॉमिनल ग्रोथ कर सकते हैं, तो ये 6 साल में 3 ट्रिलियन डॉलर का 6 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है, और लगभग लगभग 9 से 10 साल में ये 10 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। तो कई बार, और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा, ये पिछले 30-40 साल में हुआ है। अगर आप निफ्टी का भी रिटर्न देखेंगे, पिछले 2 दशक का अगर आप रिटर्न देखेंगे, तो लगभग लगभग 13% है, जो कि हमारे नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। और उसके अलावा कई ऐसे इंडिकेटर दिख रहे हैं जिससे हमें ये लगता है कि ये दर थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। जैसे अगर आप देखिए, एक एक फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का। आप पिछले 5 माह से अगर आप जीएसटी के नंबर देखेंगे, तो 1,40,000 करोड़ से ऊपर का नंबर आया है। पिछले महीने जब ग्लोबल स्लो डाउन की बातें हो रही हैं, हमारा सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ, लगभग लगभग 1.5 लाख करोड़ हुआ। एक हमें फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स दिख रहा है। एफआईएस ने 50 बिलियन डॉलर के आसपास पुल आउट किया, और अभी सिर्फ 10% ही शायद वापस डाला है जितना उन्होंने पुल आउट किया था। और हम लगभग 80-85% जो हमारा फॉल था 15,200 तक जो बाजार आया था, वो कवर कर चुके। तो एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग हो रहा है, वो आपको नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स में, नंबर ऑफ फोलियोज में दिख रहा है। एक मैन्युफैक्चरिंग में हमें बहुत बहुत रिवाइवल दिख रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो टेक्सटाइल है, इत्यादि कई जगह। ऑटो में काफी 4-5 साल के बाद वापस से साइकिल चल। तो अगर आप हर सेक्टर को एनालाइज करेंगे, हम आईटी स्लोडाउन की बात करते हैं, ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग का लगभग 20% इंडियन आईटी कंपनीज को मिला है, जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग के हुए। तो अब हर सेक्टर में अगर आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये दशक पहले वाले दशक से और भी अच्छा होने जा रहा है। उसी को हमने बस एक रिपोर्ट के माध्यम से थोड़ा सा पेश करने की कोशिश की। गुरमीत जी, ये बस एक रिपोर्ट नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, और भारत के स्वर्णिम भविष्य को दर्शाती हुई इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर आपने फोकस किया। ऑफ कोर्स सेक्टर्स की जैसे आप बात कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग स्पेस जहां न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, रोड एंड इंफ्रा फोकस में है, रियल एस्टेट लगातार फोकस में है, और इसमें तो इनफैक्ट आपने पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स की भी बात कही है। इस पर विस्तार से अपनी जानकारी, अपने आउटलुक समय बताएँ। तो जैसा मैंने बोला है कि एक हमें बहुत अर्ली साइन दिख रहे हैं केपेक्स साइकिल के। ये ज्यादातर ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग से देखने को मिल रहा है, चाहे वो रोड्स है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं। दूसरा, एक हाउसिंग सेक्टर लेड हमें एक प्राइवेट केपेक्स शायद देखने को मिल रहा है, जो शायद लास्ट टाइम 2003 से 2009 में हमें देखने को मिला था। और हाउसिंग से लगभग लगभग 45 और सेक्टर जुड़े होते हैं। तो अगर हाउसिंग में रिवाइवल आता है, जबकि ब्याज दर थोड़ा बढ़ रहा है, तब भी हमने देखा है। अगर अभी आपने अगर एशियन पेंट्स का कमेंट्री सुना हो, या बाकी के पेंट कंपनीज के जब पहले क्वार्टर के नंबर्स आए हैं, उन्होंने बोला है 80-85% जो डिमांड है वो रीपेंटिंग की है पेंट्स की। तो जिसका मतलब है हम होम इम्प्रूवमेंट जिसे बोलते हैं, हम घर बेहतर चाह रहे हैं, नए घर तो ले ही रहे हैं हम, जहाँ एग्जिस्टिंग जो हमारे मकान है उनको भी हम उसमें और इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। तो ये हाउसिंग लेड केपेक्स साइकिल के हमें अर्ली साइन दिखते हैं।
तो वो आपको बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स देखने को मिलेगा, चाहे केबल्स एंड वायर्स देखिए, सैनिटरी वेयर देखिए, टाइल मेकर्स देखिए, प्लाईवुड देखिए, आपको हर जगह वो देखने को मिलेगा। दूसरा जो हमें लगता है कि बहुत समय बाद इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक हमें जिसे मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा अर्ली साइन दिख रहा है कि ये काफी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। वो हमें जैसे मैंने आपको बोला टेक्सटाइल्स में दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में दिख रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में मुझे लगता है अगले 4-5 साल काफी बड़े हो सकते हैं। जो हमारा बेसिकली गवर्नमेंट्स के पिछले पिछले सप्ताह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करीबन 30,000 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स और दिए। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां हमें ये दिख रहा है। कुछ हमें चाइना प्लस वन और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का भी लाभ देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा कि टोयोटा ने प्लांट शट किया कल सिंचुआन में, जो सबसे बड़ा चाइना के एक प्रोविंस है, पावर क्राइसिस की वजह से। तो कुछ जो ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, उसका भी लाभ कुछ एक सेक्टर्स में हमें देखने को मिल सकता है। राइट, एब्सोल्युटली। गुड मॉर्निंग गुरमीत। एब्सोल्युटली, ये अभी हम सुबह शेयर भी कर रहे थे कि जो पावर डिस्ट्रप्शन के चलते कौन कौन सी इंडस्ट्री और सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा जो चाइना में वहाँ की यूनिट्स को बंद किया गया है, 6 दिन के लिए पावर शॉर्टेज रहेगी। लेकिन आपकी इस रिपोर्ट में जिक्र कई जगह पर फार्मा इंडस्ट्री का भी है। आपने हालांकि टॉप 5 फार्मा मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिया से आते हैं, कई सारी अच्छी चीज़ें आपने इस लिस्ट की है इस रिपोर्ट में, विच इज़ ऑफकोर्स इट गिव्स अ प्राउड फीलिंग ऑल्सो टू रीड अबाउट इट। लेकिन फार्मा स्पेस को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या हम इसे डिवाइड करना चाहिए 2 पार्ट्स में, कि शायद वो कंपनियाँ जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, जिनके इनवर्ट सॉल्यूशंस है, वो ज्यादा बेनिफिट करेंगी, या आपको लगता है कि वो कंपनियां जो जेनरिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट करती है, उनको भी फायदा मिलेगा? मुझे लगता है दोनों को मिलेगा, पर जैसा आपने बोला कि एपीआईज और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो जैसे अगर अगर आपने डिवीज के नंबर अगर देखो, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, तो मार्केट हालांकि थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, बट अगर देखिए उनकी अगर आप मैनेजमेंट कम्युनिटी देखें तो उन्होंने मार्केट शेयर गेन्स की बात करी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में। करीबन करीबन 4 ऐसे मॉलिक्यूल्स उन्होंने बताया जिसमें उनका मार्केट शेयर गेन हुआ है। टॉलुपवीर का सेल उनका पूरा एब्जॉर्ब हो गया जो कि कोविड रिलेटेड एपीआई था। उन्होंने कंट्रास्ट मीडिया और सार्टन्स के बारे में बहुत अच्छा आउटपुट दिया। कंट्रास्ट मीडिया आपकी डिजिटल इमेजिंग, रेडियोलॉजी और इसमें यूज होता है। अगले से 2 से 3 साल में करीबन करीबन $25 बिलियन के ड्रग ऑफ पेटेंट हो रहे हैं, तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काफी पुरानी है, कैपेक्स कर रही है, डिवीज 1700-1800 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है इस साल, अगले 2-3 साल में लगभग लगभग 3,000 करोड़ का कैपेक्स है। लॉरस लैब्स ने इस साल $1 बिलियन रेवेन्यू की गाइडेंस दिया है। उनका डिपेंडेंस एआरवी एपीआई पे कम हुआ है। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर आप वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज को देखेंगे, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग और जो फार्मा आउटसोर्सिंग जैसे मैं बोलता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, वो करीबन करीबन $4-5 बिलियन का टॉप लाइन करती है। हमारी सबसे बड़ी कंपनी $400 मिलियन करती है। तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और क्या होता है, केमिकल्स में आपको ये ऑलरेडी देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पे अप्रूवल साइकिल छोटी होती है, 12-18 महीने होती है। ड्रग्स में, दवा में 3-4 साल लगते हैं, तो आप और ये बिजनेस थोड़ा सा लंपी होता है, तो आपको एक काफी कुछ देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा मैं हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स पे भी काफी बुलिश हूँ। बहुत हमने देखा है कोविड के बाद की हेल्थ अवेयरनेस बढ़ा है, मेडिकल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, और इंडिया में अभी भी नंबर ऑफ बेड्स जो है पर पेशेंट काफी काफी लो है। तो बहुत टाइम बाद इन बिजनेस में, ये बिजनेस थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बट कुछ अच्छी कंपनीज इस सेक्टर में भी देखने को मिल रही है। ओके, ठीक है सर, हमारी बधाई भी, हमारी शुभकामनाएं भी, क्योंकि जिस देश को लेकर आपने रिपोर्ट निकाली है उसी देश के हम भी मूल निवासी हैं, तो हमारा तो एक कॉमन इंटरेस्ट है। हम तो चाहते ही हैं कि 3 लाख करोड़ डॉलर वाली इकॉनमी 10 लाख करोड़ डॉलर इकॉनमी हो जाए। और ये बात तो खैर गर्व की बात है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो दिख ही रहा है, और इस रिपोर्ट ने हमारे इस कन्विक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग किया। गुरमीत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इस रिपोर्ट को आपने क्यों कंपाइल किया और उसके पीछे की वजह क्या थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।